मॉर्निंग आज का जो टॉपिक है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो आज वो हम फिर आगे करेंगे। जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी करता हूँ। क्वेश्चन हमारा है हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर। देखिए क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर। देखिए आप क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है तो आप देखते हैं। तो ये बता रहा है हम कैसे क्लियर वाटर हमें कैसे मिलेगा जब मडी वाटर एक गंदा पानी है, बिना मिट्टी वाला पानी है, या मिट्टी वाला पानी अगर हो उसके बीच में से हमें कैसे क्लियर वाटर साफ पानी मिल सकता है, कैसे मिल सकता है मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा। वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये तो हमें पता है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन की मदद से फिल्टर करके हम क्लियर कर सकते हैं। मिट्टी को अलग रखेंगे और वाटर को, साफ पानी को अलग कर देंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। किस प्रोसेस से? फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। ठीक, यहाँ तक तो पता है आपको। और जैसे एक और चीज़, फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स। फिल्टर पेपर की मदद से भी हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं थोड़ा लिख के आपको बताऊँ क्योंकि इसका आंसर भी ज़रूरी है आपको। ए फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन इज फिक्स्ड इन ए फनल। द मिक्सचर किसका, दोनों का, इज देन, दोनों का किसका, मिडी वाटर पानी के बीच में जो हम रेत थोड़ा गंद जो डालेंगे मिट्टी का उसको मिक्सचर ही बोलते हैं, उसका मिक्सचर हमें इसी में डालना है। देन पोरुड ऑन द मिक्सचर इज देन पोरुड ऑन द फिल्टर पेपर सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर या फिल्टर पेपर। अब देखिए मैं आपको थोड़ी डायग्राम की मदद से समझाऊँ, पहले मैं बता देता हूँ मैंने लिखा क्या। वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन की मदद से हम इस ये चीज़ दोनों जो हमें पानी और मडी वाटर जो मिट्टी वाला पानी या मिट्टी जिसमें हो उस किसके मदद से हम इसको फिल्ट्रेशन की मदद से क्लियर कर सकते हैं। या ए फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स। या फिल्टर पेपर की मदद से अगर आप घर पे भी टेस्ट करोगे, घर पे भी आप ज़रूर ट्राई करना, एक फ़िल्टर पेपर आप दुकान से मिल जाता है, स्टेशनरी से भी मिल जाएगा इजीली आपको, उनको खाली ये इतना कहना है कि आप मुझे फ़िल्टर पेपर दे दो। फिल्टर पेपर का मेन मकसद क्या रहता है, फ़िल्टर पेपर जो होता है उसमें बिल्कुल पतले पतले से वो पोर्स होते हैं, छेद कह सकते हैं, बिल्कुल पतले, सुई से भी बिल्कुल पतले पोर्स होते हैं। उसमें क्या होता है, जो गंद वंद हो जाती है, जो गंद है वो ऊपर रह जाती है, जो हार्ड मतलब गंद किस टाइप की, मतलब
थोड़ी हाँ सॉलिड टाइप की या थोड़ी मोटी टाइप की वो ऊपर ही सतह पे रहेगी, और जो पतले साफ पानी जो है वो कहाँ आएगा, बूंद बूंद गिर कर, या वो कहाँ गिरेगा, नीचे। तो उससे भी फिल्टर की मदद से भी हमें वाटर उसमें साफ मिल सकता है। हम इसे घर पे भी यूज़ कर सकते हैं पीने के लायक भी। अगर हम फिल्टर पेपर, आपने देखा होगा आजकल प्योर इट कैंट बहुत सारे आए हैं, तो उसके थ्रू भी हम अपना वाटर जो है प्योरीफाई कर लेते हैं या क्लियर कर देते हैं। उसमें जो गंध है आपने देखा होगा ऊपर रह जाती है सारी गंध, तो उसमें भी एक पेपर टाइप का होता है ऊपर, जो आपने देखा होगा गोल शेप में, सर्कल शेप में भी होता है, वो भी फिल्टर टाइप का ही होता है। तो फिर क्या करेंगे हम काम, अब जैसे मैं इसको आप इसकी मदद से समझाऊंगा। जैसे पहले हम फिल्टर पेपर लेंगे, मगर लेना भी किस टाइप में, हम कोन, इसको कोन शेप में बिल्कुल बनाएंगे, काट कर जैसे कोन बना दिया। इस कोन से क्या होगा, हमें कोन से ये फ़ायदा होगा कि हम जो भी इसमें डालेंगे वो इसके थ्रू नीचे आएगा। जैसे अब ये तो कोन शेप में है, ये समझ लीजिए कोन शेप में है, ये फिल्टर पेपर है। इसको मैंने किस शेप में रखा, कोन शेप में इसलिए रखा, अभी बताऊंगा आपको। जैसे ये है, एक साइड से मैं आपको दिखाऊं, ये मैं रखूंगा यहाँ पे एक फिल्टर पेपर कोन शेप में जो रखा मैंने, ठीक यहाँ तक ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा काम, इसके ऊपर ये बॉडी वाटर डालूँगा, ठीक। ये जब इसमें गिर गया, यहाँ पे एक और चीज़ करूँगा, एक टेबल, टेबल या बेंच टाइप का कुछ रखूँगा, जिस पे मैं क्या रखूँगा एक गिलास, ठीक। ये जो गिरेगा तो किस में गिरेगा, इसी में, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, मदद, इसकी मदद से क्या होगा, ये जो पानी है इसमें आ जाएगा, ठीक। जब ये इसमें आ जाएगा तो जो गंध है वो सतह पे रहेगी, इस फिल्टर पेपर पे जो मली रहेगी वो इस फिल्टर पेपर, जो वाटर आएगा वो नीचे आएगा, ठीक। समझ गए आप, ईजली है, बिल्कुल ईजी टॉपिक है। तो इस फिल्टर पेपर से क्या क्या हो गया, फिल्टर पेपर से मदद से क्या हो गया, ये जो गंध है वो ऊपर इसके ऊपर रह गई, ठीक। और जो पानी है वो बूंद बूंद बन के इसमें जमा हो के फिर इसमें कंटेनर, कोई भी कंटेनर हो या गिलास हो, इसमें आके एडजस्ट होगा और जो गंध होगी अलग होगी। इसकी फिल्ट्रेशन की मदद से क्या, या फिल्टर पेपर की मदद से हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया। तो आपको समझ आया होगा, मुझे उम्मीद है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।